भर में फैली कोरोना महामारी को अब एक साल पूरा हो चुका है और कोरोना की वैक्सीन भी अब आम लोगों के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कोरोना बढ़ रहा है, यानी कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। जी हाँ, फिर से देश में कोरोना के केसों की संख्या में अचानक इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर समाचार एक्सप्रेस की टीम ने फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में पहुंचकर लोगों से जाना कि क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सही समय पर कोरोना की वैक्सीन लग रही है या नहीं, और कोरोना महामारी से निपटने के लिए सिविल अस्पताल की क्या तैयारियां हैं। इसी को लेकर टीम ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों और फरीदाबाद के सिविल सर्जन से खास बातचीत की। वीडियो में दिखाई दे रही तस्वीरें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की है, जहां पर 45 से ऊपर की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। जब हमने इन लोगों से बात की तो इन्होंने बताया कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए कोई भी इंतजार नहीं करना पड़ता और यहां आने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और रजिस्ट्रेशन करवाते समय जगह और दिन उन्होंने अपने आप चुनी थी। जब वे यहां आए तो उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। वहीं फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप पुनिया ने बताया कि दोबारा से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। इसका कारण है कि लोग कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग होना चाहिए। लोग इनमें लापरवाही बरतने लगे हैं। इसी को लेकर जिला उपायुक्त ने सभी विभागों के साथ मीटिंग कर इस पर चर्चा की थी कि किस प्रकार कोरोना पर रोकथाम लगाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 25% बेड रिजर्व रखने को कहा गया है। वहीं ईएसआई अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लोग सिविल अस्पताल में आकर बिना रजिस्ट्रेशन भी कोरोना वैक्सीन। आंटी, नाम क्या है आपका? विमला कटोरिया। कितनी उम्र हो गई आंटी आपकी? 60। अच्छा, आप पहुंचे हैं वैक्सीनेशन कराने, कैसे वैक्सीनेशन कब रजिस्ट्रेशन कराया, कैसे पहुंचे, कितनी परेशानियां हुई या कैसे कराया? कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक हो गया। ये दूसरा है हमारा, ठीक है बिल्कुल। तो कैसे पहुंचे यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन कराया था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आए 2 मिनट में लग गए। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।